हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप कोई रेफ्रिजरेटर या और कोई होम अप्लायंसेस परचेज करने का प्लान बनाते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि रेफ्रिजरेटर कौन से ब्रांड का लिया जाए, क्योंकि दोस्तों रेफ्रिजरेटर जैसे होम अप्लायंसेस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार आप ऐसा होम अप्लायंसेस परचेस करने के बाद में उसे आसानी से 8 से 10 साल तक या उससे ज़्यादा सालों तक भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो रेफ्रिजरेटर आप परचेस कर रहे हैं वो अच्छे ब्रांड का हो और उसके रिपेयर और मेंटेनेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो कौन से ब्रांड का लिया जाए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 2021 के अंदर इंडिया में सर्विस और मार्केट शेयर के मामले में टॉप 5 रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स के बारे में बताने वाला हूं कि कितना उनका मार्केट शेयर रहा और किस एरिया में आपको किस तरीके की सर्विस उनकी देखने को मिलती है। तो काफ़ी शानदार वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां दिया लाल बटन दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने जो डेटा उठाया वो एक बहुत ही रेपुटेड और पॉपुलर वेबसाइट से उठाया। मैं यहाँ पर आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, टॉप 5 ब्रांड के अंदर पांचवें नंबर पर आता है हायर। हायर ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन एक चाइनीज ब्रांड है जो 1984 में चाइना के अंदर फाउंड किया गया था, जो 2004 से इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है और 2014 में इस ब्रांड को इंडिया के अंदर अच्छा बूम मिला। और रेफ्रिजरेटर के अलावा आपको हायर के और भी होम अप्लायंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, वाटर हीटर वगैरह और भी काफी सारे होम अप्लायंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया के मार्केट में हम 2021 के रेफ्रिजरेटर मार्केट में हम बात करें तो 6% के मार्केट शेयर के साथ में ये पांचवें नंबर पर रहा। और यहाँ पर इसके सर्विस की हम बात करें तो कुछ रूरल एरिया को छोड़ दे तो बाकी इंडिया के बड़ी सिटीज़ में आपको सभी जगह इसकी सर्विस अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बहुत छोटे सिटी की मैं बात करूँ तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी हम किसी बड़ी सिटी जैसे कि 1-1.5 लाख की पॉपुलेशन वाली सिटी की बात करें तो वहाँ पर आपको सर्विस अच्छी मिल जाती है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर आता है गोदरेज। और गोदरेज दोस्तों एक इंडियन ब्रांड है और 1897 को ये इंडिया में ही फॉर्म किया गया था और पहले ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते थे, बाद में ये होम अप्लायंसेस लाइन में भी आ गए और अभी होम अप्लायंसेस के अलावा और भी दूसरे इंजीनियरिंग गुड्स बनाता है। अब यहाँ पर इंडिया के रेफ्रिजरेटर मार्केट में 2021 के मार्केट शेयर की बात करें तो 14% के मार्केट शेयर के साथ में ये चौथे नंबर पर रहा। और यहाँ पर इसकी भी कुछ रूरल एरिया को छोड़ दे तो आपको अच्छी खासी सर्विस देखने को मिल जाती है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से आते हैं तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी आपको छोटी सिटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर अच्छी सर्विस देखने को मिल जाएगी। रेफ्रिजरेटर मार्केट के अंदर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर आता है वर्लपूल। और वर्लपूल दोस्तों आप सालों से सुनते आ रहे हैं, इसके टीवी पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलते हैं और ये एक यूएस बेस्ड ब्रांड है, यानी कि अमेरिकन ब्रांड है। और अभी भी काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि वर्लपूल एक चाइनीज ब्रांड होगा, लेकिन नहीं, ये एक अमेरिकन ब्रांड है और यूएस बेस्ड ब्रांड है, इस हिसाब से इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। और यूएस के अंदर ये 1911 से काम कर रहा है, काफी पुराना ब्रांड है। और 2021 में इंडिया के रेफ्रिजरेटर मार्केट में इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 18% के मार्केट शेयर के साथ में ये तीसरे नंबर पर रहा। और इसके सर्विस की हम बात करें तो आपको इंडिया के ज़्यादातर एरिया में इसकी सर्विस अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बहुत ज़्यादा रूरल और आदिवासी एरिया को छोड़ दे तो बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको रूरल एरिया में भी इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की ब्रांड की। दूसरे नंबर पर आता है सैमसंग। और सैमसंग को दोस्तों काफ़ी जाना माना ब्रांड है, स्मार्टफोन मार्केट में काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसके अलावा इसके होम अप्लायंसेस भी आते हैं और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। सैमसंग दोस्तों साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है और 1996 से ये इंडिया में काम कर रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको इंडिया में चुका है, लगभग 25-26 साल के आसपास। और 2021 में इंडिया के रेफ्रिजरेटर मार्केट में इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 29% के साथ में ये दूसरे नंबर पर रहा। और इसके सर्विस की हम बात करें दोस्तों तो इंडिया के रूरल से रूरल एरिया में भी इसकी सर्विस आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इंडिया के रेफ्रिजरेटर मार्केट में 2021 में नंबर 1 ब्रांड की। तो यहां पर दोस्तों ये आता है LG लाइफ्स गुड, जो कि एक जापानीज ब्रांड है और इंडिया के रेफ्रिजरेटर मार्केट में 31% के साथ में ये नंबर 1 पर रहा 2021 ईयर के अंदर। और ये ब्रांड भी दोस्तों काफ़ी पुराना है, 1997 से इंडिया में वर्क कर रहा है। अभी रिसेंटली ही इस ब्रांड ने अपनी स्मार्टफोन यूनिट को पूरी तरह से बंद कर दिया, अब ये केवल होम अप्लायंसेस पर ही अपना फोकस रखेंगे, तो आने वाले टाइम में इनकी सर्विस और भी ज़्यादा बेटर होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी सर्विस की हम बात करें तो अभी भी आपको इंडिया के रूरल से रूरल एरिया में काफ़ी अच्छी सर्विस इनकी देखने को मिल जाती है।
तो ये है दोस्तों वो टॉप 5 ब्रांड जो आपको इंडिया के रेफ्रिजरेटर मार्केट में 2021 में टॉप 5 पर दिखे, और बाकी के बचे 3% में बाकी के सारे ब्रांड आ जाते हैं, जिनमें MGM, ओनिडा वगैरह ये जो भी बाकी सारे ब्रांड आते हैं वो सभी इसी 3% के अंदर आते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आपको रेफ्रिजरेटर परचेस करना है तो इन टॉप 5 ब्रांड में से किसी एक का परचेस करना चाहिए ताकि आपको सर्विस अच्छी खासी देखने को मिल जाए। अब इस वीडियो में मैंने केवल आपको रेफ्रिजरेटर के मामले में बताया है, बाकी दूसरे होम अप्लायंसेस या ऑल ओवर हम बात करें तो यहाँ पर व्हर्लपूल नंबर 1 पर आता है बिजनेस के मामले में और मार्केट शेयर के मामले में। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।